सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द DIY जुगाड़ और मेरा नाम है वैभव। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज मेरे पास है एक होंडा सिविक 2006 मॉडल और आज हम इसमें करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और पसंदीदा मॉडिफिकेशन जो आपने अक्सर टिकटॉक वीडियोस पे देखी होंगी, जो थार, एंडेवर और फॉर्च्यूनर की ग्रिल्स में लाइट्स इंस्टॉल होती हैं, ब्लू और रेड कलर की छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो। और मेरे पास आज उन लाइट्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है, सो इन लाइट्स को करूंगा मैं इसमें इंस्टॉल। बट इंस्टॉलेशन से पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको इन लाइट्स के सारे फीचर्स बताता हूँ। सो लेट्स अनबॉक्स इट। सो यहाँ पे है मेरे पास लाइट्स का बॉक्स और आप ऊपर देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये लाइट्स मैंने मंगाई है चाइना से, bango.com से। सो लाइट्स को अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इन लाइट्स का रिमोट और बेस्ट पार्ट ये है कि ये रिमोट से कंट्रोल होती है और रिमोट से ही ऑन ऑफ होती हैं। सो रिमोट को अभी के लिए रखते हैं साइड पे। सो आप यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं वायरिंग का काफ़ी ज़्यादा बंडल है और टोटल इसमें 8 लाइट्स हैं छोटी छोटी, 1, 2, 3 एंड 4 रेड कलर की और सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4 ब्लू कलर की। और ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी टू इंस्टॉल हैं, लाइक आपको इनकी फिटिंग करनी भी बहुत ज़्यादा इजी है। सो अगर आप लाइट को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे आपको क्लिप्स दी हुई हैं और ये लाइट आपकी ग्रिल में जाके फिक्स हो जाएगी और आपको अलग से कोई टेपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो लाइट्स हैं वो लाइट्स तो वाटर प्रूफ हैं बट ये कंट्रोलर वाटर प्रूफ नहीं है, सो हम इस पर फोम वगैरह लगा के या पॉलीथीन चढ़ा के इसको वाटर प्रूफ बनाएंगे। और बात कर ली जाए इन लाइट्स की फिटमेंट की, तो फिटमेंट मैं करूँगा यहाँ पे सिविक की ग्रिल में, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे, और 4 लाइट्स इधर और 4 लाइट्स इधर। और फिटमेंट के बाद ये बहुत ज़्यादा सही लुक आएगी इनकी, क्योंकि इसमें 7 to 8 पैटर्न्स हैं और अलग अलग पैटर्न्स में ये फ्लैश स्ट्रोब करती है। सो अब बात आ जाती है इन लाइट्स के कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस मैं करूँगा इनको डायरेक्ट बैटरी से। आप चाहे तो आप इनको इग्निशन पे कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो ये अलग से आप एक ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं इसके लिए, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं आपको लगा के इसमें नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्शंस करके इनको चला के दिखाऊंगा। और ये रिमोट से ऑन ऑफ हो जाती हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इसको इंस्टॉल और फिर करते हैं इसके कनेक्शंस। सो सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें बोनेट ओपन करना होगा, तो सिविक में यहाँ पे आप इसको किसी भी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप होता है नीचे, आपको उसको निकालना होगा पहले। और बोनेट हमारा खुल चुका है, सो अब यहाँ पे स्टैंड से इसको लगा देंगे। तो ग्रिल तक जाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से एक इसका कवर निकालना होगा, सो उसके लिए यहाँ पे लॉक्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और यहाँ पे ये रबर्स हैं। सो पहले लॉक्स को खोलते हैं। सो इन लॉक्स को खोलने के लिए आपको इनमें स्क्रू ड्राइवर डालना है और ये बाहर आ जाएंगे बीच में से और लॉक को आपको निकाल लेना है। सो सिंपली ये ऐसे निकल जाएंगे और थोड़ा प्यार से करिए, अगर ये लॉक्स आपके पुराने हैं तो ये टूट भी सकते हैं। सो पहले फटाफट मैं 5 लॉक्स को खोल लेता हूँ। सो अब सारे लॉक्स को मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ और 2 लॉक्स यहाँ साइड पे भी थे ऊपर, एक इधर और एक इधर। सो अब हमें इसको बाहर पुल कर लेना और ये जो हमारा कवर है ये बाहर आ चुका है, सो इसको भी रखते हैं साइड पे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से हमारा जो हाथ है यहाँ पे पूरा सेंसिबल है। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं सारी लाइट्स को फिट कर चुका हूँ। फिटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसके पीछे जो क्लिप होती है उसको आपको यहाँ पे ग्रिल में फंसाना होता है। सो लाइक मैं आपको इसको निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे क्लिपिंग है ये हमारी ग्रिल में आके यहाँ पे ऐसे लग गई है। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत ज़्यादा इजी है और जो लाइट्स है वो प्रॉपर हमारी फिट हो चुकी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर बैक साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वायर्स नज़र आएंगी। सो अब हमें करना क्या है, हम केबल टाइज लेंगे और इन सारी वायर्स को टाई करेंगे, पहले एक साथ फिर किसी चीज़ के साथ। सो पहले वायर्स को टाई करते हैं। सो गाइज अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारी वायर्स को रूट कर दिया यहाँ पे केबल टाई से, पहले टाई करके फिर यहाँ पे आप बीच में से सारी वायर्स को निकाल के यहाँ पे हमारे कंट्रोलर में जा रही है और कंट्रोलर में यहाँ पे सॉकेट्स हैं मेल फीमेल, तो आप इनको निकाल के वायर बीच में से लेके जा सकते हैं। सो अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी केबल टाइज लगानी बाकी है और एट द एंड हमारे पास सिर्फ 2 वायर्स बचती हैं, एक रेड और एक ब्लैक, तो हमें इनको बैटरी से कनेक्ट करना है। बट उससे पहले एक यहाँ पे फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, सो मेरे पास फ्यूज़ भी है ताकि कहीं पर भी वायरिंग शॉर्ट होती है तो फ्यूज़ उड़े, जिससे आपकी गाड़ी में कोई भी शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा ना रहे। सो पहले हम इस पर फ्यूज़ लगाते हैं, फिर इसको करेंगे हम बैटरी से कनेक्ट। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी रेड वाली वायर आ रही थी कंट्रोलर से, इसके साथ मैंने यहाँ पे एक फ्यूज़ अटैच कर दिया और यहाँ पे एक थिम्बल लगा हुआ है बैटरी वाला। सो फ्यूज़ होल्डर के अंदर यहाँ पे एक 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, सो आप इसमें देख सकते हैं फ्यूज़ है ये हमारा और ये आपको सर्किट को प्रोटेक्शन देगा। और इस चीज़ का भी आपको जो फ्यूज़ होल्डर है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी है, थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 80 to 100 रुपीज़ का है, लगता नहीं उतने का होगा बट ये अच्छी चीज़ है। और अब रह गई हमारी बात
ब्लैक वाली वायर की, तो सेम ऐसा एक कनेक्टर लगा के ब्लैक वाला हमें इसको कनेक्ट कर देना हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, या कहीं पे भी हम इसको ग्राउंड कर देंगे, और रेड वाले थिम्बल को हमें अटैच कर देना हमारी बैटरी के पॉजिटिव वाले से। आपको यहाँ पे बैटरी के ऊपर ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ मिल जाएगा, लाइक सिविक की बैटरी यहाँ पे थोड़ी पुरानी है बट यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और गाइस बात कर ली जाए इस कंट्रोलर की, तो इसको आपको वाटर प्रूफिंग के लिए आप इसके ऊपर फोम या कोई पॉलीथीन वगैरह चढ़ा सकते हैं और इसको अच्छे से पैक करके टेप लगा के रख दीजिए। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लाइट्स को मैं टेम्परेरीली फिट कर रहा हूँ इस कार में, तो मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तो जस्ट मैं इसको सिंपली यहाँ पे अंदर डाल दूंगा। सो फटाफट इसको अटैच करते हैं और इसके ऊपर जो कवर था उसको वापस लगाते हैं, और फिर आपको इन लाइट्स का ऑपरेशन इनको जला के दिखाता हूँ और रोड पे बाहर थोड़े से शॉट्स दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सारी हमारी इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, हमने कवर यहाँ पे लगा दी और वायरिंग सारी प्रॉपर हो चुकी है, फ्यूज़ लग चुका है। सो अब बारी आ जाती है इनको ऑन करने की और इनके रिमोट की फंक्शनिंग की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सटर्नल कोई भी स्विच नहीं लगाया गाड़ी के अंदर, और अगर आप लगाना चाहते हैं वो फायरवॉल में से आप अंदर जाके स्विच लगा सकते हैं और फ्यूज बॉक्स में से भी कनेक्शंस ले सकते हैं पिगीबैक फ्यूज लगा के। सो रिमोट पे दो बटन्स हैं, ए और बी। जो ए वाला बटन है वो हमारा ऑन ऑफ करने का काम आएगा और बी वाला पैटर्न चेंज करने का। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ए वाला बटन दबाया तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, एंड ओ माई गॉड क्या प्यारी लुक आ रही है इनकी। सो अब मैं बी वाला बटन दबाऊंगा। सो बी दबाने से इसके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सो हमारा ये सेकंड पैटर्न है, फर्स्ट वाला स्टिल था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड ये है हमारा सेवेंथ, और बैक टू फर्स्ट। सो टोटल इसमें 7 पैटर्न्स हैं, और ऑन ऑफ के लिए आप इसका ए वाला बटन यूज़ कीजिए, और ये यहाँ से ऑफ हो गई। और ये आपको ज़रूरी नहीं आपको कार के सामने ही से ही चेंज करना पड़ेगा। सो लाइक मैं इसको 10-15 मीटर पीछे जाके ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो भाई आपको दिखाएंगे ज़रा। सो अराउंड मैं 15 मीटर पीछे आ चुका हूँ। सो अब यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और लाइट्स हमारी ऑन हो चुकी है, और अब पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, और माइक मैंने वायरलेस लगाया हुआ है। तो इस तरह से कार के अंदर भी आप चाहे बैठे हो तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग से स्विचेस लगाने से बढ़िया नीट एंड क्लीन काम रहता है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो अराउंड इसकी कॉस्ट है ₹2500, और डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड और बैंगूड की एक सेल चल रही है ईयरली, तो उस पर काफ़ी सस्ता सामान आपको मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार नीचे जाके चेक कर लें, आपको लिंक्स और कोड सारे वहीं पर मिल जाएंगे। सो अब चलते हैं बाहर और थोड़ी सी ड्राइव लेके आते हैं लाइट्स के साथ। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी ड्रेनेज का, तो बैटरी इसमें कोई आपकी ड्रेन नहीं होने वाली अनलेस एंड अंटिल आप 1-2 महीने तक आपकी गाड़ी नहीं चलाते। लाइक जो कनेक्शन है वो बैटरी से डायरेक्ट है, तो जो इसका सेंसर होता है वो ऑन ही रहता है रिमोट कैच करने वाला। तो बट आपको अगर आप हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी चलाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 15-20 दिन में भी, बट 2-2 महीने अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। और एक और क्वेश्चन, यूनिवर्सल क्वेश्चन मेरी ऑडियंस का, कि इसको हम अपनी कार में लगा सकते हैं, तो हाँ जी यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए यूनिवर्सल लाइट्स हैं, आप इसको थार से लेकर ऑल्टो तक किसी में भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो रिमोट है इसका रिमोट एक ही मिलता है, तो रिमोट को आप संभाल के रखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे की चेन में फंसाने के लिए दिया हुआ है, तो कार की की के साथ आप इसको रख सकते हैं। तो गाइस इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर तो वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसी मॉडिफिकेशंस देखने के लिए करिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ रात को 11 बजे खाली रोड पर क्यों हॉर्न मार रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या सजेशन है तो नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे अभी तक तो फॉलो कर लो, यहाँ पे मेरा हैंडल आ रहा है, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइट सेफ राइट हार्ड, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।